हाय गाइस, वेरी गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब? आज मैं एक बार फिर आपके सामने आया हूँ एक नई जगह और नई लोकेशन के साथ। आपको दिख रहा होगा कि मेरे पीछे कितनी धुंध धुंध है, तो मैं बताने वाला हूँ कि मैं कहाँ पर हूँ। तो ये जगह है धर्मशाला और आज 22 तारीख है और अभी बज रहे हैं रात के लगभग 8 बज रहे हैं। हम लोग का प्लान था कि धर्मशाला में जाएंगे एंड यहाँ पे थोड़ी सी मस्ती करेंगे क्योंकि ठंड बहुत है और मैंने वेदर फोरकास्ट चेक किया था तो यहाँ पे स्नोफॉल होने वाला है। तो मैं हूँ अभी धर्मशाला से कुल 8 किलोमीटर और ऊपर। जगह का नाम है इंद्रुनाग कैंपिंग एंड मैं अभी जस्ट अपने कैंप पे पहुँचा हूँ। और अभी आप देखें, मैं दिखाऊंगा अभी यहाँ पे बारिश ज़बरदस्त हो रही है तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि कल यहाँ पे स्नोफॉल हो, उम्मीद करता हूँ कि हो जाए क्योंकि उसके लिए हम लोग आए हैं यहाँ पे थोड़ा सा। एंड ये दिन दिखाऊं मैं आपको अपना कैंप। चलिए ये देखिए, चलिए आपको ले चलते हैं हमारे अपने रूम की तरफ। ये हमारा है रूम। ये हमारे भाई लोग रितेश एंड अमित। चंडीगढ़ के हमारे बहुत पुराने हमारा वॉशरूम। लाइट चलाओ भाई। ये है हमारा, अरे वाह, अरे कैंप में भी ऐसा फैसिलिटी है। सीरियसली चलो अभी। गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब? उठ गए हैं मेरे दोनों दोस्त, उठ गए हैं। चलो दिखाएं अभी यहाँ का नजारा। सो ओके, ये जनाब पहले उठ गए हैं। एक जनाब तो बहुत ही पहले उठ गए हैं। फ्रेश नो हो रहा है। अरे भाई, अरे सच में बर्फ गिरी है भाई, वो तो जबरदस्त भाई, जबरदस्त। गुड मॉर्निंग, सो हम अभी जस्ट कैंप से बाहर आए हैं, मैं और मेरा दोस्त साथ में है अमित। सो हम यहाँ पे रात को ऊपर मैकलोर में स्नोफॉल हुआ है जो कि आपको दिखाया अभी और यहाँ पे भी हल्का हल्का होने लगा है तो हम लोग ऊपर जा रहे हैं तो वहाँ जाकर थोड़ा सा एडवेंचर करने वाले हैं। कि वहाँ यहाँ पे एक जगह है जो हमने कवर करनी है अपनी ब्लॉग में, वो है यहाँ पे इंद्रुनाग देवता जी का मंदिर है, उसकी बहुत ज़्यादा मान्यता है तो हम ये सब कवर करेंगे। यहीं से आए थे ना हम, खो गए हम कहाँ यार। शूज तो दूसरे हैं, ये फिसने लग गया अभी। छाता भी लेके नहीं आया यार। वो ट्रैकर का आएगा, वो छाता लेके आए। तो रेनकोट लेके आना चाहिए था, बढ़िया वाला। बारिश कम बंद हो गई मतलब। ये तुम्हारा रात का, ओहो ये नाइस डे। क्या नहीं नहीं, एक मिनट जना, क्या आपने क्या रिव्यू देने चाहोगे? जहाँ ये सामने जो ज्यादा है, ये जस्टा बिल्डिंग जो है, थोड़ा सा कॉस्टली है। <laughs>
और ये हमारी गाड़ी फॉर्च्यूनर। अरे इनोवा ये तो बंदा ही पाया गया। तो अब हम चलते हैं इंदु नाग देवता जी की हिस्ट्री की तरफ। तो पुराणिक दंत कथा के अनुसार यहाँ पे इसी घाटी में भेड़ और बकरी पालन वाले यहाँ रहा करते थे, और इसी घाटी में बहुत सारे ऋषि मुनि जो हैं, संत जी जो हैं, वो यहाँ पे तपस्या करते थे। और इन सब के साथ इसी घाटी की कंदराओं में एक राक्षस भी रहा करता था, और ऐसा माना गया है कि उसने भगवान शंकर जी को तपस्या से प्रसन्न करके इंद्र बनने का वरदान हासिल कर लिया था। फिर उसने अपने लिए एक पालकी बनाई, और जो पालकी को उठाने वाले होते हैं उनको कहार कहते हैं। तो भेड़ बकरी जो पालते थे उन्हीं को कहार बनने के लिए बोला। एक कहार कम पड़ गया तो उसने एक साधु संत को ही कहार बना दिया, और उनको वो सब उनको उठा के इंद्रलोक की ओर चलने लगे। तो जैसे ही ऐसा हुआ तो भगवान शंकर ने अपनी माया से उसके मन में एक जिज्ञासा पैदा कर दी कि वो जल्दी से करे। तो वो फिर सभी उन्हीं सब कहारों को सर्प सर्प बोलने लगा। सर्प मैं बता दूं, सर्प का हिंदी में अर्थ होता है सरकना। तो जैसे ही वो सबको बार बार सर्प सर्प बोल रहा था, परंतु वो सभी इतने निपुण नहीं थे कि वो सब इतना जल्दी जाल सकें। तो जब बार बार वो क्रोध से क्रोध करने पे तो संत के रूप में जो कहार बनाए हुए थे उन्होंने उसे ही सर्प बनने का श्राप दे दिया, और वैसे ही वो सर्प बन गया। उसके बाद उन्होंने भगवान शंकर की पूजा करी। देन भगवान शंकर जी ने उनको दर्शन देके उनको बताया कि वो उस श्राप से मुक्ति नहीं पा सकते हैं, और उनके पास इंद्र और नाग देवता दोनों की शक्तियाँ रहेंगी। ये हम पहुँच गए हैं मुख्य मंदिर में। ये देखिए, ये इंदु नाग देवता जी की प्रतिमा है। ऐसा माना जाता है कि सच्ची श्रद्धा से जो भी आता है उनकी मनोकामना इंदु नाग देवता जी जरूर पूरी करते हैं। आज का दिन बहुत ही शानदार है। हम रात को आए थे धर्मशाला में दो दोस्तों के साथ, इनका तो पहले मिला चुका हूँ, और हमें एक्सपेक्टेड नहीं था, पर यहाँ पे बर्फ गिर रही है। धर्मशाला से जस्ट 5 किलोमीटर ऊपर है, जगह जगह नाम बता चुका हूँ। इंदुनाग मंदिर जी में हूँ मैं, और ये एक बहुत ही अनएक्सप्लोर्ड प्लेस है। लोग धर्मशाला में आते हैं, मैक्लोडन चले जाते हैं, पर लोग यहाँ नहीं आते। और यहाँ उनका ये मानना है कि ये भगवान जी हमें यहाँ के बारिश के या फिर किसी भी प्राकृतिक प्रकोप से बचाएंगे। तो उनके लिए यहाँ के स्थानीय लोगों का जो कुल देवता भी है वो इंदु नाग देवता जी का मंदिर है। ठीक है, तो ये एक बहुत ही एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी आप लोगों के लिए। और बाकी ये जगह जो है इंदु नाग है, तो अगली बार जब वो कभी भी धर्मशाला आए तो एक बार यहाँ पे जरूर आए। तब और मेरे साथ बर्फ का लुफ्त जरूर उठाएं। देखिए अभी वही बर्फ गिर रही है, बस ये अभी अभी बिल्कुल ताजा बर्फ शुरू हुई है। अरे वही, और ये बहुत ज्यादा लेवल पे शुरू हो गई है। तो बाय बाय, यहाँ का स्थानीय स्थल है जिसको हम बाय बाय कर रहे हैं। जय हो। चलो भाई, चलो चलो चलो, बहुत ही ठंड है यार, जबरदस्त ठंड है। आप भाई टेम्परेचर फ्रीजिंग हो चुका है। अरे वापस जा रहे हैं हमने कैंप की तरफ। थोड़ा सा सुबह का ब्रेकफास्ट करेंगे, मंदिर में दर्शन कर चुके हैं हम। तो हमारी टू-डू लिस्ट का फर्स्ट जो डेस्टिनेशन है वो हमारा हो चुका है। अभी हम जाएंगे दूसरे की तरफ। तो फर्स्ट वीडियो थी हमारी यहाँ की। अब नेक्स्ट हमारी जो हम यहाँ से जाने वाले हैं, हम जाएंगे मैक्लोडगंज। सो गाइस, मतलब ये ट्रिप जो था पूरी तरह अनएक्सपेक्टेड था हमारा। तो हमारी पैकिंग हो चुकी है। ब्रो आ जाओ जल्दी। सो रेडी,
फाइनली इट्स टाइम टू से बाय बाय टू से। तो कैसी लगी ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा।